सब्सक्राइब करें द 117 यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल द 117 में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे झारखंड में आप अपना राशन कार्ड का लिस्ट कैसे निकाल सकते हो, कैसे अपना राशन कार्ड का लिस्ट देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आपके नाम पे राशन कार्ड है या नहीं है, और अगर है तो उसका राशन कार्ड नंबर क्या है, वो किस डीलर के पास आप राशन ले सकते हो, ये सारी जानकारी आपको पता हो जाएंगी। तो आप इस वीडियो का क्या करो, लास्ट तक का देखते रहो। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड बटन देख रहे हो वहाँ क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें द 117 यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले हमें आना पड़ेगा हमारे झारखंड पीडीएस की वेबसाइट पे, जो कि है ahar.jharkhand.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप की पेज खुल जाती है। उसके बाद आपको सिंपली सेकेंड ऑप्शन पे एक माउस को लेके जाना है, और आप देखो यहाँ पर राशन कार्ड विवरण, तो आप सेकेंड ऑप्शन देख रहे हो, सेकेंड का सेकेंड राशन कार्ड विवरण, इसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका ब्लॉक कौन सा है वो आपको भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपना गांव, वार्ड उस हिसाब से निकाल सकते हो या फिर डीलर के हिसाब से निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ से गांव को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं किसी एक विलेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर दिखा दूंगा। आपको अपना विलेज सर्च करना है, उसके बाद आपको अपना विलेज यहाँ पर डालना है। चलिए मैं कुछ भी एक ले लेता हूँ। आपको पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपको ब्लॉक में ब्लॉक सेलेक्ट करना है, फिर अपने गांव के यहाँ पर रेडियो क्लिक करना है इस बटन को, उसके बाद अपना गांव को यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कार्ड टाइप, आप पीएच के लिए अगर अप्लाई किए थे तो पीएच सेलेक्ट करो, AAY अप्लाई किए थे AAY सेलेक्ट करो, अगर आपको वाइट का देखना है तो वाइट सेलेक्ट करो। अब मैं बता देता हूँ पीएच किन के लिए, AAY किन के लिए और वाइट किन के लिए। एक्चुअली पीएच उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो कि पहाड़िया जनजाति से बिलोंग करते हैं, उनके लिए AAY है, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना, और बाद बाकी लोगों के लिए पीएच है। और उन लोगों के पास इनकी जॉब है या फिर जिनके इनकम ज़्यादा है उन लोगों को वाइट कर दिया जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करो कि आपका कौन सा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा को डालना है। सेम टू सेम आप डालो यहाँ पर, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पर खुल जाता है। आप चाहो तो इस लिस्ट को आप सेव कर सकते हो, आप अपना नाम सर्च कर लो। अब देखो ये A to Z वाइज आपका दिया हुआ, पहले ए आएगा फिर बी आएगा। तो आप देखो आप कौन सा लेटर उस हिसाब से आप नीचे लेके जाओ और वहाँ पर सेलेक्ट कर लो। आप चाहो तो इसको सेव कर सकते हो, यहाँ पर देखो आप प्रिंट बटन है, प्रिंट के बटन पर क्लिक करो और यहाँ से आप इसे सेव कर सकते हो या फिर प्रिंट निकाल सकते हो इस चीज़ का, ठीक है। तो ये है, अगर इससे भी ज़्यादा आप डिटेल में देखना चाहते हो कि आपका कार्ड पे किन किन का नाम है, क्या डिटेल्स है उनका, तो यहाँ पर कार्ड नंबर पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारा डिटेल्स मिल जाना है। आप इसका भी एक कॉपी निकाल सकते हो, और ये एज ए डिजिटल राशन कार्ड का आपका काम भी करता है। अगर आपको राशन कार्ड नहीं मिला है तो आप इसे निकाल के अपना काम चला सकते हो। इसको निकालने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर प्रिंट के बटन पर क्लिक करना होगा और आपको सेव कर लेना होगा, प्रिंट आउट निकाल लेना होगा। यह है पूरा प्रोसेस राशन कार्ड का लिस्ट निकालने के लिए। बहुत से लोग पूछ रहे थे मेरे से कि राशन कार्ड का लिस्ट कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। एक्चुअली मैं दूसरी वीडियो में कुछ इसी टाइप का चीज़ बनाया था, मतलब दिखाया था, मतलब स्पेशली नहीं दिखाया था कि राशन कार्ड का लिस्ट उससे निकलता है। तो आप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि राशन कार्ड का लिस्ट कैसे निकाला जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दे दो, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।